ये सर्वम अभिष्ट श्री गिरिराज गोवर्धन है, जो गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, कृष्ण स्वयं कृष्ण भी कहते हैं मुझे इसको बोलते हैं गुरु जगत से। आप जो कुछ भी इनको मांगो गिरिराज वही दे देते हैं। देखना आप लोग जाते सिद्ध पेड़ में पेड़ में लगा रखा हुआ है, जिनकी बेटी की शादी नहीं हुई, जिसकी बेटा नहीं, जिसकी नौकरी नहीं लग रहा है, कोई संसार कष्ट, अगर गिरिराज में आप अभिषेक करो और पेड़ में पेड़ बांधना सब काम हो जाता है। आप देखोगे पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, मतलब जिसको जितने मछली मकान चाहिए वो जितने पत्थर के ऊपर जितना पत्थर रख देते हैं उसका उतना मछली मकान मिल जाते हैं। गुरुदेव कहते थे कि गिरिराज की जो दुनियादारी वस्तु तो ये आसानी से मिल जाए, लेकिन जब इससे एक चीज मांगो ना गिरिराज सोचने लग जाते हैं। तो क्या है जब इनकी भक्ति मांगो, इनकी प्रेम सेवा मांगो, फिर गिरिराज सोचने लगते हैं इनका दुख ही नहीं हुआ। यदि देते हैं लेकिन ऐसे नहीं परीक्षा करके गिरिराज देते हैं, क्यों? कारण है जब ये भक्ति देते हैं ना भगवान को बसी उतरना पड़ता है। भगवान यदि भुक्ति मुक्ति देश प्रभु भक्ति राष्ट्र लुटाया, दुनियादारी वस्तु तो आसान से देते हैं लेकिन सहज में ये भक्ति को नहीं देते भगवान, इसलिए इसको भी दे देते हैं। इसका पहला शिक्षा बताए बोले अकाम सर्व काम का इसलिए मैंने पूजा किसका मतलब करवाया, जैसे तैसे व्यक्ति का नहीं इंद्र का पूजा मतलब कराया। इंद्र कौन है? बल्कि स्वर्ग का देवता ही इंद्र है, सारे देवता का जो देवता इंद्र को पूजा मतलब कर दिया। तो पूजा करना तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, इनकी आशीर्वाद से आप ब्रजवास कर रहे हैं, इन्हीं की आशीर्वाद से फल फूल गंदरा पानी सब कुछ कहाँ से मिलता है, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन से हम सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए इसमें एक शिक्षा है। बोले दूसरा शिक्षा क्या है? इंद्र का बड़ा अभिमान है, बोले कौन मैं हूँ? बोले स्वर्ग का राजा है। बोले ये ब्रजवासी कौन? बोले ये सब के सब प्रजा है। अगर मैं बारिश नहीं बरसा होगा ना फिर तो घास नहीं होगा, घास नहीं होगा गैया क्या खाएगी, दूध कहाँ से, फिर पत्थर विकास बनेगा। इसलिए मैं राजा हूँ और ये मेरे सब के सब प्रजा और मेरे आशीर्वाद से ब्रजवासी जिंदा हुए। कृष्ण ने कहा तेरे आशीर्वाद से जिंदा हुए, इसलिए तुम्हारे आशीर्वाद से अभी तेरे को मैं बजा ले जाता हूँ, तेरे आशीर्वाद से गए थे। इसलिए उन्होंने ब्रजवासियों का श्री नंद बाबा को बोले, बोले बाबा ये इंद्र कौन है? बोले स्वर्ग का देवता है, इनके आशीर्वाद से ये बारिश होता है। बोले पिताजी क्या समुद्र पूजा करता है इंद्र को? वहाँ बारिश भी होता है। कोई पहाड़ क्या पूजा करके जाते वहाँ पर भी बारिश होता है। इसलिए जीव अपना कर्म फल के अनुरूप ही भोग करता है। इंद्र पिताजी अगर इनसे प्रार्थना करना कि भगवान को प्रार्थना करनी एक आधिकारिक देवता है, भगवान के आदेश हो तभी ये जीव को कोई दे सकते हैं। जिसका कांट बिल्कुल जो है नहीं उसकी पूजा करके क्या होगा है? तो पिताजी ये गिरिराज के आशीर्वाद से हम ब्रजवास कर रहे हैं। बोले इंद्र बचता ही कौन? बोले सौ अश्वों में से यज्ञ में कोई इंद्र पद को प्राप्त करता है, लेकिन पिताजी करोड़ अश्वों में से यज्ञ से ब्रज का धूली को भी एक ब्रज रज को भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। ये एक ब्रज रज में वहाँ की एक लता बताओ भी कितने सकती है, एक इंद्र नहीं वो कर्ण इंद्र को प्रकट कर सकते हैं, स्वर्ग को प्रकट कर सकता है, लेकिन ब्रज में ये लोग ब्रजवासी है अपना को दर्वत लीला करते हुए ये दर्वत लीला कर रहे हैं, इसलिए उनकी महिमा अब नहीं जानते ये लोग। इसलिए पिताजी इंद्र पूजा करने का कोई जरूरत नहीं, पूजा करना तो इसकी पूजा करती गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र का अभिमान नहीं करना था। तृतीय कारण बताए कृष्ण जितने ब्रजवासी है ये और कोई नहीं, यदि सबके सब आनंद चिन्मय रस प्रतिभागिता भी राधा रानी के सारे कायम हो गोपियां कृष्ण का प्रकाश के सब सखा लोग हैं। इसलिए कृष्ण की कभी कभी इच्छा होती है कि सारे ब्रजवासी मेरे अपना स्वरूप है, इनको साथ में सहाता हूँ, साथ साथ इनको उत्सव बनाओ। बोले कह लो
बस हाथ में मिला जाओ। और कभी कभी राधा रानी प्रेम गोपियों से कभी कभी प्रेमा नहीं कपड़ा नहीं होता है। कृष्ण सोच रहे हैं हम ऐसे क्या काम करे सारे ब्रजवासी आप क्या परेशान आ जाए बात सात दिन तक इनको उत्तम करो। इसलिए इंद्र जब बारिश बरसाएगा जब मैं गिरिराज गोवर्धन धारण करूंगा सारी ब्रजवासी साथ में आ जाएंगे बस सात दिन तक उत्तम कर सकते साथ में। यदि ये तीसरा कारण लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ कारण कृष्ण की जो सर्वश्रेष्ठ के बना वो कृष्ण का जो इंद्रियों को जो वर्धन करने वाले इनकी इंद्रियों को जो बढ़ाने वाले हैं। इसलिए कहते हैं कृष्ण के यद्यपि कृष्ण का बहुत सा लीला है कहते संस्कृति यद्यपि प्राचीन लीला तथा मनोहरा नानी जाने वृद्धे रासे मन में कितने सफल कृष्ण कहते यद्यपि मेरे बहुत सारे लीला हैं क्योंकि रास लीला को पता नहीं क्या ही है जिसको उसको स्मरण करता था पता नहीं मेरे कटे शिविर बन जाती है। इसलिए दिव्य लीला है जिसमें कृष्ण को पूर्ण रूप में अगर कहीं की इंद्रिय की सैटिस्फाई हो रहा है ये रास लीला यहाँ पर केवल रस है। कृष्ण सोच रहे भैया रास लीला कैसे करो है उदाहरण दिया कृष्ण तो ब्रज का हीरो है और ये ब्रज गोपियाँ हीरोइन है। जैसे एक हीरो एक हीरोइन को आकर्षण करने के लिए क्या करना है कुछ बहादुर दिखाना है बल्कि उसको कुछ बहादुर दिखाना पड़ेगा जिससे ये ब्रज को भी आपके आप आकर्षण हो जाए। एक बहादुर दिखाया तालियों के सर्व पर उसने नृत्य किया जब नृत्य किया जिसने नृत्यों को देख करके सारी इंद्रिय ब्रज गोपियां मतलब भैया बड़े नृत्यकार को हमने देखा है किला किया पर नाच किया रस्सी को ऊपर से तलवार ऊपर में लेकिन सांप के सर के ऊपर में हमने नाचने वाले कभी नहीं देखा। जिस नृत्य को देख करके से ताल सर्व करके मन तथा पर नाच रहा वाली पम 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 पद बल जल पम 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 हन बहुबर बीग 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 बीनत करत नाग बहुआई सन 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 काजी गन 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 गत बगन नम 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 नारद मुनि साव देव ताली बम बम बलिहारी। इस लोग ने ऐसे नृत्य की जिसको देख करके ब्रज गोपियां तो डूब गई। दूसरा लीला की उन्होंने गिरिराज गोवर्धन उठाया कितने साल में सात साल में कितने दिन तक सात दिन तक कितना बड़ा गोवर्धन सात वर्ष गिरिराज कहाँ पर वृंदा को ऊपर उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठा दिया जिसको देख रहे ना कितने ब्रज गोपियां तो लूट गए की चरण से उसे सारे बड़े बड़े बहादुर देखा लेकिन एक बार भी देखा नहीं बात कृष्ण का सार लीला हो गई। जब कृष्ण परिक्रमा लगा रहे उसमें परिक्रमा बड़े सुंदर बात बताए जी गोस्वामी जब परिक्रमा लगा रहे थे और एक जब परिक्रमा लगा रहे थे जब ब्रजवास मिलकर के परिक्रमा लगाए पहले कौन चल रहे थे पहले सारे संत लोग ब्राह्मण लोग चल रहे थे उसको पीछे पीछे कौन चल रहे थे जितने गैया चल रहे थे वो भी परिक्रमा लगा रहे और सबको पीछे कौन चल रहे थे ब्रज की गोपियां और उसको साथ में लास्ट में जिसने छोटी गोपी और लास्ट में श्री राधा रानी जब परिक्रमा कर रहे थे कृष्ण स्वयं ये परिक्रमा कर रहे थे राधा रानी सबसे पीछे पीछे चल रही थी। राधा रानी कभी बीच बीच में सोचती है क्या श्याम सुंदर है प्रियतम है अगर मेरे मन की भाव को वो समस्त अगर है अगर श्याम सुंदर तेरे को आकर स्पर्श करे ना तब तो मैं समझूंगी मेरी ये प्राण प्रियतम है अगर मेरे को स्पर्श करे कृष्ण तो जानते राधा की इच्छा करे तो स्पर्श करे लेकिन स्पर्श करे कैसे पहले तो ऐसे था लड़की का अंदर लड़का घुस जाए लड़की का अंदर लड़का घुस जाए पहले तो ये नियम नहीं था मर्यादा भी चलते थे और सबसे पीछे राधा रानी चल रही थी कृष्ण चल रही बीच में अब राधा जी को पास में कैसे पहुंचे कृष्ण ने किया क्या कि बछड़ा लिया और बछड़े को पूछ को बड़ा जोर से एंड दिया आगे पीछे करके उन्होंने एंड दिया बछड़ा तो खुदक दोगे एकदम पीछे पहुंच गया कृष्ण बहाना बनाते हुए पीछे गए और राधा रानी सबसे पीछे चल रही थी तब ने राधा जी को स्पर्श किया राधा रानी का हृदय जंत्र में गदगद हो गया मेरे प्रिय इच्छा पूरी कर दी मैं कभी इच्छा करती है क्या श्याम सुंदर मेरे को दर्शन देंगे अब कृष्ण दर्शन देंगे इसे इतने में कृष्ण ने बहुत दूर दिखा दोगे उन्होंने जो तैयार कराना जो लटकिया ना उसको जोर से ऊपर से फेंकी फेंक करके कृष्ण बाहर को निकाल दिए छलांग लगाए और जब लपटी को पकड़ने के लिए गए राधा रानी पीछे कृष्ण बीच में इनका दोनों दोनों हाथ निकल के फेंक हो गया। ऐसे ही कृष्ण गिरिराज की कीर्तन करते करते
अपने भागवत में चले जाएंगे, इसलिए 5 मिनट को बोलेंगे। कल